हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बायोग्राफी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक महान कवित्री के जीवन के बारे में, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे अधिक चर्चित काल छायावाद माना जाता है। इसी काल प्रमुख कवियों में जिस कवित्री का नाम सबसे ऊपर आता है वो महादेवी वर्मा जी है। छायावाद अंग्रेजी साहित्य का काल स्वच्छंदतावाद के समकालीन ही था। भक्ति काल की मीरा की तरह इसका प्रेम भी अलौकिक था और उसमें रहस्य की प्रचुर मात्रा थी। इनके साहित्य काव्यगत विशेषताओं के कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ भी मिला। और इन्हीं महान कवित्री के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि उनका जीवन कैसा था। महादेवी वकीलों के मशहूर परिवार में 1907 को फर्रुखाबाद में पैदा हुई थी। बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई। महज 7 साल में ही उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। विवाह के बाद पति के शिक्षा पूरा होने तक वे अपने माता पिता के साथ रही। इस समय में भी वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने संस्कृत में परास्नातक किया। पहली बार इन्होंने अपने पति से असहयोग आंदोलन के समय तमकोई के आसपास कहीं पर मुलाकात की। इसके बाद कविता लिखने के कारण इलाहाबाद चली आई। महादेवी वर्मा कहती थी, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। दुर्भाग्यवश ये और उनका पति प्राय अलग अलग ही रहे और अपने अपने निजी व्यसनों के पीछे भागते रहे। बौद्ध धर्म के झुकाव के कारण वे बौद्ध भिक्षुणी भी बने। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना के साथ उन्होंने कुसंस्कार ग्रस्त सामाजिक परंपरा के बीच लड़कियों को शिक्षा देने की व्यवस्था भी की और उस विद्यापीठ की पहली प्राध्यापिका भी। ये महान आत्मा का देहावसान 1987 में हुआ। हिंदी साहित्य के छायावाद काल के प्रमुख रचनाकारों में महादेवी अपना अलग स्थान रखती। निराला जयशंकर प्रसाद और पंत उस समय चरम बिंदु पर पहुंच गए थे। महादेवी वर्मा उन सबसे अलग अपनी कविताओं में नारी चित्रण के नए स्वरों को भर रही थी। विलक्षण प्रतिभा के कायल सभी आलोचकों ने इनके काव्य शैली को बहुत सराहा था। खरी बोली के हिंदी कविता में उन्होंने कई मापदंड गढ़े जो अभी तक हिंदी के उप बोलियों में संभव था। उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के अलग अलग शब्दों को अपने काव्य में प्रयोग किया, जिसमें संगीत का स्वर स्पष्ट तौर पर लक्षित था। इन्हें संगीत की बेहतर पहचान थी, जिसके कारण इसके गीतों के नाम सौंदर्य और पैनी उक्तियों की शैली बहुत ही दुर्लभ थी। महादेवी न केवल प्रतिभाशाली कवित्री थी बल्कि एक अच्छी गद्य लेखिका और संगीत में भी सिद्धस्त थी। वे चित्रकारी के लिए कुछ भी थाम लेती थी। दीपशिखा काव्य संग्रह में उन्होंने अपनी कविताओं के साथ साथ उन पर चित्र भी बनाए। एक तरह से काव्य संग्रह उनका स्मृति ग्रंथ था। आज भी हिंदी साहित्य के महिला लेखिकाओं में से वे अग्रणी और अतुलनीय। पंडित इलाज चंद्र जोशी के साथ उन्होंने साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। इस संस्था के पत्रिका के संपादक भी रही तथा उन्हें के नेतृत्व में एक विशाल कवि सम्मेलन भी आयोजन किया गया। महादेवी पर बाद में गांधी का प्रभाव भी परिलक्षित रहा। महादेवी वर्मा के जीवन और काव्य दोनों का मुख्य केंद्र प्रेम विरह और वेदना रहा। गद्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा ने बड़ी बड़ी रचनाएं की। 1941 में उन्होंने अतीत के चलचित्र की रचना की, फिर 1942 में श्रृंखला की कड़ियां, 1943 में स्मृति की रेखाएं की, फिर 1956 में छंगनदा की, 1956 में पथ के साथी की, 1962 में साहित्यकार की आस्था, फिर 1969 में संकल्पिता, 1974 में संभाषण की। काव्य में भी महादेवी वर्मा ने 1942 में दीपशिखा, 1963 में हिमालय, 1934 में निर्जा, 1930 में निहार, 1932 में रश्मि संग्रह में, 1983 में गीत पर, 1983 में परिक्रमा, 1983 में संधिनी, 1983 में स्मारिका जैसी रचनाओं का उन्होंने लेखन किया। महादेवी वर्मा की लेखनी को चारों ओर से प्रशंसा मिली। ये छायावाद आंदोलन की मुख्य स्तंभ थी। यामा के लिए इन्हें 1940 में ज्ञानपीठ मिला। 1956 में इन्हें साहित्य के योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पहली महिला साहित्यकार थी जिन्हें 1979 में साहित्य अकेडमी मिली। महादेवी वर्मा के कुछ अनमोल वचन भी थे, यदि अपने आप स्वीकार हो तो घर की संचालिका का कर्तव्य कम जरूरी नहीं, विज्ञान में कुछ करने की कला का कुछ भाग्य अवश्य होता है। एक बेगुनाह को बचाने वाले का झूठ उस सच में श्रेष्ठ होता है जो उसके अहिंसा का कारण। विज्ञान एक व्यवहारिक प्रयोग। आज हिंदू औरत तो जिंदा लाश की तरह है। हमारी जिंदगी सबसे की परेशानियां झेलने के लिए बनी है। अपने विषम में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद की गलतियां देखना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसे अनदेखा करना दूसरों को अच्छा नहीं। मैं किसी रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करती। मैं मोक्ष को नहीं मिट्टी को ज़्यादा पसंद करती।
वे खिलते फूल जिन्हें मुरझाना नहीं आता और वे दीप जिसे बुझना नहीं आता, ये कितने अद्भुत प्रतीत होते हैं। जीवन में कला का सच सुंदरता के माध्यम से व्यक्त किए गए सच से अखंड होता है। ये थे महादेवी वर्मा के कुछ अनमोल वचन। तो दोस्तों, कैसी लगी महादेवी वर्मा की जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1927 को हुआ था और उनकी मृत्यु, एक महान कवित्री की मृत्यु, 11 सितंबर 1987। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।